30 सालों से किरदार कुशी की जा रही है, अब बस कर दें। मसला मुझसे है, पकड़ मेरे दोस्तों को रहे हैं। सारा झगड़ा 18वीं तरमीम का है। पश्तून को शनाख्त दी जिसकी जरूरत थी, मुशर्रफ दौर में एनआर ओलिया नाब लूंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लाहौर से पुरानी यादें वाबस्ता है, यहां आकर खुशी होती है। आसिफ अली जरदारी का दो टोक मौकफ, कहते हैं मुझे नवाज शरीफ की जरूरत है, ना नवाज शरीफ को मेरी। हुकूमत गिराने में कोई दिलचस्पी नहीं, ये जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। एक लाठला कल था और एक आज है, मैंने लाठला बनने की कभी कोशिश नहीं की। हुक्मरान डिक्टेटरशिप से ज्यादा एक्टिव हो चुके, गिरफ्तारी मेरे लिए कोई नई बात नहीं। आसिफ जरदारी। नैब को कायम रखकर सियासतदानों ने अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा, नवाज शरीफ से कल मुलाकात का इम्कान है। मौलाना फजलुर रहमान ग्रैंड अपोजिशन बनाने के लिए सरगर्म, इसराइली तैयारी की पाकिस्तानी हवाई अड्डे पर आमद से कौमी सतह पर तशवीश पैदा हुई। जहाज का कोड और नाम तब्दील करके पाकिस्तान लाया गया। लाहौर में खिताबात, कहा मौजूदा हुकूमत नाजायज है। मौलाना फजलुर रहमान दूसरों की छोड़ें अपनी फिक्र करें, नवाज शरीफ और जरदारी को करीब लाने वाले भी कौमी मुजरिम हैं। मुल्की दौलत लूटने वाले अंजाम से बच नहीं सकेंगे। हुकूमत अपना काम कर रही है, इंशाल्लाह इमरान खान सुरखरू होंगे। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान का मुतहदा अपोजिशन रहनुमाओं की मुमकिन मुलाकातों पर रद्द अमल। शहबाज शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा, आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। नैब हुकाम 29 अक्टूबर को एहतसाब अदालत से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। आशियाना स्कैंडल में भी नैब टीम की बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल करने की कोशिशें। नैब टीम के दीगर केसेज से मुतालिक भी सवालात, 20 रोज से कैद शहबाज शरीफ का ज्यादातर मामला से लाइल्मी का इजहार। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान की जायदाद जब्ती का केस, नैब की जानिब से अली इमरान की जायदाद की तफसीला जमा ना करवाई जा सकी, एहतसाब अदालत का आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया। अपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर 6 अक्टूबर को रिक्वेजिशन जमा करवाई गई थी। पंजाब असेंबली के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सरदार अकबर नासिर बहाल, अकबर नासिर को बजट इजलास के दौरान मुअत्तल किया गया था, बहाली का नोटिफिकेशन जारी। तमाम डिविजनल स्टेशंस पर वाईफाई ऑन, कराची स्टॉक एक्सचेंज समेत तमाम लोग रेलवे की आरासी फिलफोर खाली कर दें। 6 नई ट्रेनें चला चुके, मजीद 6 रेलगाड़ियां चलाएंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने अरबों रेलवे स्टेशंस की ताजीनों आराइज पर लगा दिए। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हर कोच पर नजर है, असली शेख का किरदार अदा कर रहा हूँ। रिवायती अंदाज से हुकूमत नहीं चलाऊंगा, जायज काम में किसी को रुकावट डालने नहीं दूंगा, वजीर आला पंजाब। उस्मान भुजदार से मुख्तलिफ शहरों से आए 300 लोगों की मुलाकात, स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और सूबाई वजरा भी मौजूद। वजीर आला हर शख्स के पास फर्दन फर्दन गए और मसाइल भी सुने। वजीर आला पंजाब की जेरे सदारत LDA के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास, वजीर आला का कहना है कि LDA को नए दौर के तकाजों के मुताबिक ढालना है। सादगी की नई मिसाल कायम, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवार हक ने पंजाब हुकूमत को मर्सिडीज गाड़ी वापस कर दी। सरकारी मोबाइल फोन की इस्तेमाल न करने का फैसला, अदालती अफसरान को भी बगैर इस्तेहकाक हासिल की गई गाड़ियां वापस करने का हुक्म। अफसरान खुद गाड़ियां वापस कर दें वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का एक और तारीखी इकदाम, साइलीन अब अदालती ऑर्डर घर बैठे ऑनलाइन देख सकेंगे। हर साइल अपने केस का हुक्मनामा मुतालिका वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेगा। जजेस को रोजाना की बुनियाद पर अपने अहकामात अपलोड करने की हिदायत, चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी।
सानहा मॉडल टाउन केस, नए आईजी अमजद जावेद सलीमी भी हुकूमत के साथ हाथ कर गए। पंजाब हुकूमत के अहकाम पर सिर्फ जूनियर अफसरान को क्लोज लाइन किया। एसएसपी और एसपी ओहदों के अफसरान तहा सीटों पर मौजूद। तारिक अजीज एसएसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरावाला, रहीम शराजी एसपी हेडक्वार्टर कसूर तायुनात। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए हुकूमत इन एक्शन, लाहौर के दो सर्कल्स में स्मार्ट मीटर्स और एबीसी केबल्स लगाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर और सेक्रेटरी पावर डिवीजन इरफान अली की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, नए सिस्टम से बिजली चोरी करना नामुमकिन होगा। सेक्रेटरी पावर डिवीजन, बिजली चोरों को सजा मिलेगी, तमाम कार्रवाईओं में अदलिया का तआवुन हासिल है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब। कागज की कीमतों में इजाफा, उर्दू बाजार के ताजरों का हड़ताल का ऐलान। सोमवार को उर्दू बाजार की कोई दुकान नहीं खुलेगी। पब्लिशर्स और मैन्युफैक्चरर्स समेत सब ताजर अपना कारोबार बंद रखेंगे। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज की ताजरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। खोया खाने वाले हो जाएं होशियार, शादरा में जाली खोया बनाने वाला यूनिट और एनर्जी ड्रिंक्स बनाने वाली फैक्ट्री सील। 3 मन खोया और भारी मकदार में दूध बरामद। केमिकल और फ्लेवर से जाली खोया तैयार किया जाता था। अरशद बोतल फैक्ट्री से 500 तैयार बोतलें और खाम माल भी बरामद। के जरिए पैसे भारत भिजवाने वाला गरोह गिरफ्तार। मुजरमान डिजिटल नेटवर्क से पैसे भिजवाते थे। जाली पैगामात और इनाम की खबर देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। डायरेक्टर एफआईए वकार अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डेंगू फैलने का खदशा, पीएचए ने शहर में लगे फुहारे और आबशार बंद कर दिए। फुहारों को आरजी तौर पर पानी की सप्लाई मुअत्तल। रेस कोर्स, लिबर्टी, शादमान, सेंटर प्वाइंट गुलबर्ग में लगे फुहारे बंद। एक 1000 ईंटों का रेट 8000 रुपए मुकर्रर, जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत भट्टा मालिकान का इजलास, ईंटों की कीमतों का जायजा। भट्टा मालिकान को मुकर्रा कीमतों पर ईंटों की फरोख यकीनी बनाने की हिदायत। भट्टों की बंदिश ना करने के मामले पर 3 नवंबर तक तौसी। अदाकारा के कत्ल की एक और फाइल बंद, अदाकारा संगम राणा कत्ल के सेशन जज के तमाम मुल्जमान को बरी करने का हुक्म। अदाकारा की वालिदा सुगरा बीबी ने कमरा अदालत में अल्लाह की खातिर मुल्जमान को माफ कर दिया। जिना अस्पताल से 9 मालूद के अगवा का मामला, वारदात की सीसीटीवी मंजरेआम पर आ गए। बुरका पोश खातून 9 मालूद बच्ची को लेकर फरार हुई। मुलजिमा दादी को चकवा देकर बच्ची को लेकर रफू चक्कर हो गई। पुलिस मुलजिमा का तहाल कोई सुराग न लग सका। पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह में सीसीपीओ की जेर सदारत आला सतह इजलास। चेहलम हजरत इमाम हुसैन उर्स दाता दरबार और रायवन तबलीगी इज्तिमा की सिक्योरिटी का जायजा। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जुलूस में घुसने न दिया जाए। तमाम अफसरान और अहलकारान अलर्ट होकर फराइज अंजाम दें। डीआईजी ऑपरेशंस का खिताब। गंजे बख्श फैज़े आलम मजहरे नूर खुदा, सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक का कल से आकाश। उर्स की तकरीबात 3 रोज जारी रहेंगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार उर्स की तकरीबात का आगाज करेंगे। कुरान पानी जिक्र असकार की महाफिल और आकाए दो जहां की बारगाह में अकीदत के नजराने पेश किए जाएंगे। उर्स तकरीबात में शिरकत के लिए अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 975वें उर्स के लिए तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, हजारों पुलिस अहलकार ड्यूटी देंगे। पार्किंग के लिए 3 मकामात मुख्तस किए गए हैं। जायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम और दूध की सबीलें लगाई जाएंगी। सोशल मीडिया की चकाचौंध, किताब बीनी का रुझान दम तोड़ने लगा। लाइब्रेरियां कारीन की राह तकने लगी। किताबें पढ़ने बगैर तरक्की की मनाजिल तय करने की लाहासिल कोशिशें, बुलेटिन में शामिल है इस हवाले से खसूसी रिपोर्ट।
एम्पोरियम मॉल शॉपिंग के लिए आने वाले शहरी अब टैक्स तफसीलात भी हासिल कर सकेंगे। महकमा एक्साइज का कियासिक सेंटर कायम, डीजी अकरम अशरफ गोंदल ने कियासिक मशीन का इफ्तिताह कर दिया। सकाफती विरसे का तहफ्फुज़ और बहाली, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में लिविंग हेरिटेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वफाकी वजीर शफकत महमूद का कहना है कि एक दिन 25,000 लोग गवर्नर हाउस देखने आए। उमरा को गवर्नर हाउस आम आदमी के लिए खोलना बुरा लगा। स्टेट गेस्ट हाउसेस को बुटीक होटल्स बनाने का भी इंदिया। दो रुकनी इटली के तजारती वफ्द का लाहौर चैंबर का दौरा, कायम मकाम सदर ख्वाजा शहजाद नासिर और नायब सदर फहीम रहमान सोहगल से मुलाकात, गैर मुल्की वफ्द को चैंबर की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही सेमिनार और वॉक। क्रिकेटर इमरान नजीर समेत शोबिज शख्सियात की शिरकत। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड प्रोफेसर खालिद मसूद ने आगाही को ब्रेस्ट कैंसर से बचने का जरिया करार दे दिया। अदाकारा फरियाल गौहर ने भी सरतान की अलामत पर रोशनी डाली, मर्ज से मुतालिक आगाही पर जोर दिया। और बाकी चुनाव में तीसरी पाकिस्तान ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2018 मर्दों का फाइनल मैच मोहम्मद आफिक ने अकील खान को हराकर जीत लिया। खवातीन का टाइटल उष्णा सुहेल ने अपने नाम कर लिया।